श्री साई गणेश मित्र मंडल द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व पर मुख्य अतिथि के रूप में एकता मंच के प्रमुख अजय कौल सर एवं प्रशांत सर को शॉल और श्रीफल देकर सम्मान किया गया। अजय कौल सर ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हृदय से प्रणाम कर उनकी प्रतिमा को पूरे आदर सम्मान के साथ पालकी में स्थापित किया। मंडल की महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। चाहेंगे जिस तरह का प्यार आपको मिल रहा है लोगों से, इस बारे में क्या क्या राय है सर? सबसे पहले तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज इनको मानसा मुजरा करेंगे हम सबकी तरफ से, और शिव जयंती के इस अवसर पर सभी शिव भक्तों को शुभेच्छा देना चाहेंगे। और आज इतने प्यार से, जितनी आपने देखा कि आते के साथ यहाँ के रहवासी लोगों ने जिस तरह से हमारा स्वागत किया, उसके लिए हम लोग श्री साई गणेश मंडल मित्र मंडल को भी धन्यवाद कहना चाहेंगे। आज शिव जयंती के उत्सव पे उन्होंने मुझे बुलाकर जो इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए हम सबके बहुत बहुत आभारी हैं सर। इसके अलावा ये भी जानना चाहूँगा, हर धर्म के कार्यक्रम में आपको हम देखते हैं, उसी तरह का प्यार लोगों से भी मिलता है, आप भी उनको उतना ही प्यार देते हैं सर, क्या क्या कहना चाहेंगे इस एनर्जी के बारे में, जो एनर्जी लोगों से आपको मिलती है और इंस्पिरेशन जो मिलता है? देखिए, ज़िंदगी का बहुत लंबा अवसर हमने सिर्फ एक ही प्रतिज्ञा के साथ शुरू किया था कि सर्व धर्म समभाव, सब लोग अमन शांति के साथ रहेंगे। और जब जब लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं, चाहे किसी भी धर्म का उत्सव हो या फेस्टिवल हो, जब जब वो मुझे बुलाते हैं तो मुझे खुशी होती है अपने भाइयों के और बहनों के बीच में रहने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहुत बड़े वॉरियर थे सर, क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पर, क्या क्या मैसेज होगा यहाँ के लोगों के लिए और जो लोग देख रहे हैं आपको कैमरे पर उनके लिए? छत्रपति शिवाजी महाराज, जैसे आपने कहा, बहुत बड़े वॉरियर थे, और उसके साथ साथ जो उनकी सीख है, जो उन्होंने लोगों को सीख दी है, उनकी सीख को अगर लोग लेके आगे चलें तो मुझे लगता है यकीनन हम लोग काफ़ी हद तक उनके विचारों को अपने मन में बना के रखें तो एक बहुत बड़ा योगदान होगा उनके।
सर बहुत ज़्यादा जो है सिमिलैरिटीज़ है आपके विचारों में और शिवाजी महाराज के विचारों में, क्या कहना चाहेंगे सर? लोगों को जोड़ना चाहते थे वो भी, आप भी लोगों को जोड़ने का मैंने इसीलिए आपको कहा कि उनके विचारों को अगर हम लोग अपने रोज़ के जीवन में अगर हम लोग उसका आचरण करें तो मुझे लगता है शिवाजी महाराज उनकी जो आइडियोलॉजीज़ थी वो सचमुच हमारे ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करेगी। और जहाँ तक कंपैरिजन है छत्रपति शिवाजी महाराज की, वो अपने आप में महाराष्ट्र में इतने बड़े उनका इतिहास है कि उनकी बराबरी कोई भी आदमी नहीं कर सकता है, उनकी तुलना अप्रतिम। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्वांनी एकत्र घेत एक स्वराज्याचे निर्माण केलं होतं, तुम्ही सुद्धा या ठिकाणी मुंबईमध्ये असेल महाराष्ट्रामध्ये असेल सर्वांनी एकत्र आणत सर्वांच्या सेवेचे काम करते का? या उद्देशाने जसं मी सांगितलं की छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांच्या जीवनाची जे आपण जर आपण बघत असो की त्यांनी कसं लोकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला, कसं सर्व धर्म समभाव याच्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले, आपण जर त्यांची शिकवण जर आपल्या जीवनात आणली तर मला खरोखर वाटेल की त्यांचे जीवनाचा जे प्रसंग होता ते आपण खरोखर साध्य करू शकतो। आपसे जानना चाहूँगा अजय सर की जो एनर्जी है लोगों के बीच में और लोगों को जोड़ने की जो भावना है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, और आज के खास मौके पर सर यहाँ पर आए हैं क्या क्या कहना है, कितना कितना इंस्पिरेशन मिलता है? सर्वप्रथम तुमच्या माध्यमातून सर्व शिवभक्तांना व महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला शिव जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। खरं तर सरांसोबत राहून काही गोष्टी शिकायला भेटलेल्या आहेत। सरांनी आम्हाला हे सांगितलं आहे की तुम्ही यंग आहात, तरुण पिढी आहात, तर काहीतरी करा, समाजासाठी काहीतरी तुम्ही करा। तर तोच आम्हाला एक शिवजयंतीचा आता एक अवसर भेटलेला आहे, त्या जयंतीनिमित्त आम्ही सर्व समुदायाच्या लोकांना जे आमचे आहेत त्या सर्वांना एकत्र करून हा आम्ही सण साजरा करत आहोत। हे आमचं प्रथमच वर्ष आहे आणि एवढ्या मोठ्या उत्सवात आम्ही ज्याप्रकारे साजरा करत आहोत त्याच्यामागे फक्त आम्हाला सरांचं खूप चांगलं सहकार्य आहे व त्या दृष्टिकोनातनं जे पूर्ण पिढी आहे त्यांना एक चांगला मेसेजही जात आहे। तर हेच आमचं एक चांगलं मोटो आहे जो लोकांपर्यंत पोहोचावा। शिवाजी महाराजांनी 350 वर्षापूर्वी सर 18 प्रकार जातीनं एकत्रित घेऊन जे काळ हे केलं आणि आपल्याला असं वाटत नाही की तुझीप्रमाणे त्यांची जयंती साजरी झाली पाहिजे? नक्कीच, आम्ही बघा तुम्ही ज्या प्रकारे आता बघत आहात की पारंपरिक ढोलवादन, पारंपरिक लेझीम नृत्य, एव्हाना काही ठिकाणी डी जे लागतो, डान्स वगैरे असतात, ते न करता मी पारंपरिक दृष्टिकोनातनं पारंपरिक वाद्य आम्ही लोकांपर्यंत मेसेज पोहोचवतोय की पूर्वीच्या काळी कशाप्रकारे सण साजरे व्हायचे ते या ज्या लहान पिढी आहे जी आता हे त्या लोकांनाही कळेल आणि त्या उत्साहाने तेही थोडे इन्स्पायर होतील। तर तोच एक आमचा एक छोटा मेसेज आहे लोकांपर्यंत पोचवायचा, तो त्यांना फक्त पोचवू दे हीच आमची एक आशा आहे।